सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम अपनी हिंदी पाठमाला का दूसरा चैप्टर करेंगे, देखकर खाओ भाई। बच्चों, कई बार ऐसे होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार हमें हमारी मनपसंद चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हम उस चीज़ को खाने के लिए लपक पड़ते हैं और फटाफट इतनी खा जाते हैं कि जिससे हमारा पेट दर्द होने लग जाता है या हमारा पेट खराब हो जाता है। तो हमारे सामने अगर कोई भी जितनी मर्जी स्वादिष्ट चीज़ आए, लेकिन हमें उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना चाहिए और खाने पीने के प्रति हमें सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पेट के लिए सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट कचरे की पेटी नहीं है, उसे हमें ज़रूरत के हिसाब से ही उसमें चीज़ डालनी चाहिए। तो देखो इस चैप्टर में क्या है, स्टार्ट करते हैं हम। देखो, कलकत्ते से रोमी और बिहान के मामू आए थे, तो वो क्या लेकर आए थे, वो बहुत सारी कचौड़ियाँ और रसगुल्ले लेकर आए थे। तो कचौड़ियाँ और रसगुल्ले देकर रोमी और बिहान एकदम से टूट पड़े। उन्होंने फटाफट 3-4 कचौड़ियाँ 3-4 रसगुल्ले उठाए और खा लिए। दादी के मना करने पर भी रोमी जब खेलने गया तो एक कचौड़ी हाथ में लेकर गया, तो वापस आया तो फिर देखकर कचौड़ियाँ रसगुल्ले देखकर उसके मुंह में पानी भराया। मुंह में पानी भरने का मतलब है फटाफट देखकर खाने का मन करना। तो उसने फिर से 3-4 कचौड़ियाँ खा ली। अब गृह कार्य करना था। गृह कार्य क्या होता है, होमवर्क यानी कि स्कूल का काम करना था। तो उसने बस्ता निकालकर मेज पर रखा। बस्ते में क्या नहीं थी, हिंदी की पुस्तक नहीं थी, तो वो हिंदी की पुस्तक ढूंढते ढूंढते फ्रिज के पास पहुंच गया। अब फ्रिज में उसने रसगुल्ले पड़े थे, फ्रिज में से 2 रसगुल्ले उठाए और झट से खा लिए। तो उसके बाद हिंदी की पुस्तक तो फिर भी नहीं मिली, तो वो ढूंढते ढूंढते मेज के पास गया, तो वहां क्या पड़े थे, वहां पर क्या पड़े थे, अमरूद। अब अमरूद उठाकर खाने लगा, तो अमरूद का भी पहला ग्रास लिया ही था, पहला कौर या पहला निवाला लिया ही था कि उसके पेट में गड़गड़ होने लगी। वह सोफे पर जाकर लेट गया, पेट पर हाथ रखा ही था कि अकड़न महसूस हुई। अब हम इतना खाएंगे तो पेट तो अकड़ेगा ही, पेट में तो दर्द होएगा ही। तो वह उठकर बैठ गया, फिर लेट गया। दर्द था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सामने से अब उसकी माँ आई, तो उसने अब रोमी को परेशान देखा, तो उसने कहा, अरे रोमी बेटा क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो। तो माँ को देखते ही रोमी सुबकने लगा। अब सुबकना क्या होता है, धीरे धीरे रोना, जैसे माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने पेट दबाकर देखा, बहुत सख्त था, फूल गया था। अब उसने इतना खा लिया था कि उसका पेट फूल गया, सख्त हो गया। उन्होंने डॉक्टर आनंद को फोन किया, वह तुरंत पहुंच गए। उन्होंने रोमी की जांच की और मुस्कुराए कि इसने तो आवश्यकता से अधिक खा लिया है, आवश्यकता से अधिक मतलब जरूरत से ज्यादा खा लिया है। रोमी की हालत दर्द के मारे खराब थी, उसके पेट में कचौड़ियों ने, रसगुल्लों ने, आलू के परांठों ने, अमरूद ने घमासान मतलब भीषण मतलब भगदड़ मचा रखी थी उसके पेट में। तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तो बिहान अब उसका भाई, वो झट से बोला, अंकल यह पूरा पेटू है, आज इसने 4 कचौड़ियां, 5 रसगुल्ले, 1 अमरूद, 3 आलू के परांठे खाए हैं। तो उसकी माँ ने बिहान को डांटकर चुप करा दिया, तुम चुप रहो, डॉक्टर साहब देख रहे हैं ना। तो डॉक्टर आनंद ने रोमी को इंजेक्शन दिया तो दर्द में थोड़ा आराम हुआ। अब उन्होंने रोमी को समझाया, देखो बेटा खाने के विषय में हमें पूरा सचेत रहना चाहिए, हमें पूरा सावधान रहना चाहिए। पेट शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, तो इस पर अधिक बोझ डालना ठीक नहीं, उतना ही खाओ जितना पच जाए। दादी ने प्यार से रोमी को समझाया, बेटा पेट कचरे की पेटी नहीं है, पेट कूड़ा डालने वाला बर्तन नहीं है कि इसमें कुछ भी डालते जाओ। खाने का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए, स्वादिष्ट वस्तु देखते ही खाने के लिए लपकना नहीं चाहिए। पेट मशीन के समान है, जैसे अधिक काम लेने से मशीन खराब हो जाती है, उसी प्रकार अधिक खाने से पेट बीमार हो जाता है। तो
अब रोमी ने क्या निश्चय किया कि मैं अब कभी भी आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगा। उसने निश्चय किया कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उसे सोच में पड़ा देखकर विहान मुस्कुराया और बोला कि देखकर खाओ भाई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, क्या प्रेरणा मिली? अब रोमी ने देखो कचौड़ियां और रसगुल्लों को देखकर उसको कंट्रोल नहीं, और उसने इतना खा लिया कि उसे इंजेक्शन लगवाना पड़ा, उसे उसका पेट बीमार हो गया, उसका पेट खराब हो गया। तो हमें क्या प्रेरणा मिले कि हमें भी चाहे हमारे सामने हमारे कोई भी कितनी मर्जी मनपसंद चीज या कोई भी स्वादिष्ट वस्तु आए तो हमें ध्यान से खानी चाहिए, जरूरत के हिसाब से खानी चाहिए, खाने पीने के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि पेट हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो ये कभी इसको कभी बीमार नहीं करना चाहिए ज्यादा खाकर। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूंगी कि देखकर खाओ भाई। ओके।